दर्शकों, मैं कृति वढेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 10 पर। ये जो सेशन है ये स्टैंडर्ड 10th में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए रहेगा। साइंस के एक चैप्टर को यहाँ आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंट्रोडक्टरी सेशन है ये इस चैप्टर के लिए और एक बहुत खास मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सभी से इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी, श्रीमान प्रशांत शर्मा जी का। आप फिर मास्टर हैं डीपीएस गाजियाबाद में, आप कार्यरत हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम आपका। और आज की इस बातचीत को हम शुरू करें दर्शकों, उससे पहले आपको यहाँ याद दिलाना चाहेंगे अगर अगले आधे घंटे में आपके कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें जरूर बताएं। नंबर रहेगा 8800440559। और आप अगर इस कार्यक्रम को YouTube पर देखना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाएं जिसका नाम है NCERT ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में जाकर आप अपने सभी सवाल सजेशन हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके भेजे गए सभी सजेशन को अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन में लेकर आए आज। और एक और जरिया है जिसके थ्रू आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने सभी सवालों को सजेशन को हमें मेल करें gth.class10@ciet.nic.in। तो ये सभी जरिए हैं जिसके थ्रू आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। तो चलिए वक्त शुरू हो चला है अब शुरू करने के आज के इस सेशन को। प्रशांत जी, एक बार फिर से स्वागत करूंगी आपका। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या सीखेंगे बच्चे, क्या पढ़ाने वाले हैं आज? देखिए, जैसे क्लास 9th में हमने लास्ट एक चैप्टर पढ़ा था कि आपका क्या कहते हैं उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन जब हम लास्ट 9th क्लास में जाते हैं तो क्लास 9th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर, है ना? तो वर्क एनर्जी पावर जो है वो उसमें आपका हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें बच्चों ने पढ़ा कि वहां पर एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। अब एनर्जी कंजर्व है तो क्यों कंजर्व है, क्या ये भी एक क्वेश्चन बन के आया था, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ा और बच्चों को मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि 11th में हम जब जाते हैं क्लास में तो और ज्यादा डिटेलिंग हो जाती है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी यहां समझनी होगी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। जैसे क्लास 9th में अगर हम पढ़ते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो दैट इज रिमेन कॉन्स्टेंट। एंड अगर ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, दैट इज रिमेन कॉन्स्टेंट, और अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी कंजर्व्ड होने का पहले तो हम यहां पे मतलब समझेंगे, फिर हम आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे क्या होता है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं समझेंगे यहां पर हमें इसके बारे में थोड़ा सा हमें समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मीन्स जितनी एनर्जी हमने कहीं से हमें मिली हम उसी एनर्जी को ही हम आगे की तरफ पास करते हैं, यानी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इफ अ बॉल इज लीविंग फ्रॉम द एच हाइट, तो इट हैज इनिशियली इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द ग्राउंड देन इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन इज दैट कि इज पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी और नॉट? तो इफ आंसर इज नॉट, इट मींस समवेयर यू कैन नॉट से एनर्जी इज कंप्लीट, बिकॉज सी सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी ऑल्सो। सो इन दिस केस कि दिस इज नॉट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट इफ द सपोज इफ यू रिलीज अ बॉल फ्रॉम एच हाइट एंड इफ इट रिगेन इट्स ओरिजिनल हाइट देन यू कैन से द एनर्जी इज कंजर्व, अदरवाइज एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो विच फैक्टर्स आर देयर, लाइक एयर फ्रिक्शन इज देयर, एयर फ्रिक्शन इज देयर, ठीक है, एंड आपका क्या कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, ओके, मे बी सम अदर सोर्सेज ऑल्सो। सो इफ द एनर्जी इज नॉट कंजर्व इट मीन दिस इज द नॉन कंजर्वेशन एनर्जी। तो इन अगर हम ये बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि एनर्जी का क्राइसिस फिर क्यों हो रहा है, एनर्जी का क्राइसिस क्यों है? जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी अगर कंजर्व करते हैं तो हमारा एनर्जी का क्राइसिस नहीं होना चाहिए,
बट हम अपने अगर सराउंडिंग में देखें तो हमारे पास में एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। क्यों है? जैसे आज हम पेट्रोल यूज करते हैं या डीजल यूज करते हैं तो हमें पता है कि ये एक फिक्स्ड सोर्स है, अगर हम इसे कंजर्व नहीं कर पाएंगे या रिसाइकल नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे लिए धीरे धीरे आने वाले समय में सब खत्म हो जाएगा। तो उसका अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम ढूंढने लग जाते हैं। तो यहां पर हम वो जो एक डिफरेंस है कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन के बीच में, उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना होगा। यहाँ वो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, तो व्हाट इज द एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी व्हेनेवर अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, द बॉडी इज सेड टू बी पोजेस एनर्जी। दस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। देखिए, जैसे आप अपने क्लास नाइन्थ के चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करें तो देन यू कैन सी कि जब हम वर्क हमने पढ़ा था तो व्हाट इज द वर्क? वर्क था कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो अगर वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन से कहीं एक्स पोजीशन पर। तो अगर वो एक्स पोजीशन पे डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ जा करके कि भाई अब ये देखना होता था कि ये वर्क किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर देखिए, जैसे आपने बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रखा है और आपने क्या कहते हैं इसके बारे में भी पढ़ रखा है, क्या नाम है आपका, पोटेंशियल एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी, जैसे हम कहते हैं कि व्हेन द बॉडी इज इन मोशन देन काइनेटिक एनर्जी इज पजेस्ड, वहां पे जनरेट होती है। और अगर क्या कहते हैं ये आपका पोटेंशियल एनर्जी की जब बात आती है तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है कि हमें बताया जाता है एमजीएच। प्लीज आप एक तो ये थोड़ा सा माइंडसेट आप निकाल दीजिए कि एमजीएच जो होता है, राइट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। बट समवेयर आप ये चीज देखते हैं कि भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो क्यों पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स कॉन्फिगरेशन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन। तो ड्यू टू इट्स चेंज इन कॉन्फिगरेशन यू कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी इज जनरेटेड। तो अब हम अपनी लाइन को यहां पूरा करते हैं कि भाई अगर जो है कि whenever a body is capable of doing work, the body is said to be possess energy. Thus, energy is defined as the ability of a body to do work and the amount of energy possessed by a body is equal to the amount of work it can do when its energy is released. बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कभी कहते ना कि इसका कभी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं। आप बहुत सीधा सा होता है कि हम अगर एक स्टोन फेंकते हैं किसी पे की तरफ तो एनर्जी का कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन हम देख सकते हैं। इवन कि कोई किसी को हिट करता है तो हम एनर्जी का नॉन कंजर्वेशन और कंजर्वेशन देख सकते हैं। आपने इवन यहां तक देखा होगा कि कोई आप एक रोड में एक कार मान लीजिए जा रही रोड पर, सडनली ड्राइवर ने जो है हॉर्न बजा दिया और दूर कोई एक चल रहा है बाइसाइकिलिस्ट और वो गिर जाता है। तो वो अगर गिर जाता है तो ये भी क्या है कि इसका साउंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी का बेटा हर जगह रोल है, बिना एनर्जी के हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम जो क्राइसिस ऑफ एनर्जी है हमें उसको यहाँ पर पढ़ना है करके, तो किस तरह से क्राइसिस है और हमें किस तरह से उसको कंट्रोल करना है या उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और किस किस टाइप की एनर्जी हम यहाँ पर आगे हम मतलब आप अपने डेली लाइफ में आप अपने सराउंडिंग्स में देखेंगे, ये चैप्टर आपको यही बताता है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज का मतलब कि कितने स्रोत हैं एनर्जी के एक तरह से, तो और कितने स्रोत को हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर। आई थिंक आपने सबने पढ़ा होगा एनर्जी अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका थर्मल एनर्जी, आपका जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, एंड सो ऑन, साउंड एनर्जी। तो नंबर ऑफ एनर्जी है, तो कन्वर्जन आप देखेंगे तो यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता ही चला जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कि एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल, इफ यू ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट, मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड मोस्टली टू द साउंड एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, बट समवेयर इट हैज सम काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। क्या आप कह सकते हो कि इस केस में एनर्जी कंजर्व्ड है?
आप अपना जो है क्वेश्चन, उसका आंसर आप बताइएगा, क्या आप बताइए क्या इसमें काइंड एनर्जी कंजर्व्ड है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, इफ यू ड्रॉप अ प्लेट फ्रॉम अ हाइट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज कन्वर्टेड मोस्टली टू साउंड एनर्जी व्हेन इट हिट द ग्राउंड. तो ये आपको बताना है कि ऐसा अगर आपसे समझना चाहूं, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया जो कि हमारे आपसे सबके रोज के जीवन से जुड़ा होता है. हम किचन में जब काम करते हैं, कभी कोई हमारे हाथ से डिश गिर जाती है, तो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ एनर्जी. प्लेट उठाने से लेके प्लेट गिराना तक, तो देखिए आप प्लेट आपके हाथ से गिरी, आवाज आई. अब आप सोचे, आपको आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, सपोज करिए आपकी मदर इन लॉ को ना पता चले कि प्लेट गिरी थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. आवाज तो वहां तक पहुंच जाएगी जी, तो वो साउंड एनर्जी चली गई. बिकॉज आपके आपके पास आप कुछ हाथ में आपने एच हाइट पर रखा हुआ था, मान लीजिए आपके ग्राउंड से एक मीटर की हाइट पे थी, तो जब वो छूटेगी तो एक मीटर के हाइट के कारण उसके पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी नीचे जाएगी लेकर के उसको, तो वो लॉस होने स्टार्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी. तो वो किस में कन्वर्ट हुई भाई, इंपैक्ट पड़ रहा है, इट मीन समवेयर काइनेटिक एनर्जी है. लेकिन अभी जैसे मैंने बार बार मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे बच्चों से पूछ रहा हूँ कि क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी इसलिए कंजर्व नहीं होगी क्योंकि इसका कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में चला गया, जो दूसरों को बता दिया कि बर्तन टूट गया है या प्लेट टूट गई है जी. तो ये हर जगह है, आप कहीं पे भी, आप इवन अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ब्रिक है उसको मुझे उठाना है, उठा करके ऊपर लाना है, तो आप भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने एक फिंगर से पकड़ा उठा लिया ऊपर, आप जितना उसका वेट है उसके अगेंस्ट आप वर्क करोगे उसको लिफ्ट करने में. तो जितना आपने वर्क किया वो वर्क डन उसकी, आप उसको क्योंकि उसका कॉन्फिग्रेशन चेंज कर रहे हो, बिकॉज उसको आप राइज करा रहे हो, तो जब भी कॉन्फिग्रेशन चेंज करते हैं तो देन इट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी आल्सो. और वही ब्रिक अगर हम ऊपर से फिर से छोड़ देते हैं, अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं, जैसे आपने कहा कि फ्लोर लेवल से प्लेट जो है इफ इट इज 1 मीटर एट अ डिस्टेंस, तो ये साउंड का जो आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है मुझे लगता है वो भी तो वेरी करेगी, अगर बहुत हाइट से हो या कम हाइट से हो. नहीं नहीं, स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो कॉन्स्टेंट रहता है. जैसे अगर वो, लेकिन ये होता है कि इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, आप स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द सरफेस इट इज फॉलिंग. हाँ सरफेस पे, अब अगर एकदम बिल्कुल डस्टी मड है और उस पर गिरेगी तो कुछ नहीं होगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा. एब्जॉर्प्शन एक्चुअली में साउंड जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो जनरेट वहां पर भी हो रही है, बट वो एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही उस सरफेस की वजह से, ठीक है ना. इसलिए और उसको अगर हम बच्चों को ये चीज अगर हम मोमेंटम के टर्म्स में बता सकते हैं कि इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी जो आपके डिश और ये कप प्लेट जितने कांच के होते हैं या बोरोसिल्स होते हैं, इनको पेपर से कवर किया जाता है, जो कि गिरने से पहले अगर गिरे तो वो एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए पेपर्स पे, तो वो सेफ रहें. तो इसको मोमेंटम से भी आप जनरेट बता सकते हैं. मोमेंटम भी एक कॉन्सेप्ट बच्चों ने 9th में पढ़ रखा है, वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल थे मोमेंटम पे. तो ये भी आप इसमें, तो हर जगह एनर्जी मोमेंटम ये सब एक साथ चलते हैं जी, सारे के सारे. तो यहाँ पर हम इस वही है, हर जगह आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में निकल के आता है यहाँ. तो जैसे आप एक एक्टिविटी लोग बच्चे लोग करेंगे, अभी मैं आऊंगा उस पर, एक क्लास में अपना एनसीईआरटी में बुक में एक एक्टिविटी दे रखी, बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रखी, उस पर जरूर करें घर पर. तो ये है, तो एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है. अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी जैसे आपने निकाली थी कि जूल होती है, कहीं कैलोरीज भी हम लेते हैं, कहीं पर SI CJ सिस्टम हम उसको अर्ग लेते हैं, एंड कमर्शियल सिस्टम में ये थोड़ा सा समझने वाली बात है क्योंकि ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, जब हमने आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी तो उस समय हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है दैट इज किलोवाट आवर, एंड द एनर्जी इज सेड टू बी 1 kWh व्हेन अ बॉडी कंज्यूम 1 kW ऑफ एनर्जी 1 hour. ये आपने किसी भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब आपने किसी, जैसे सपोज अपने घर का ही आप अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है तो आप क्या कहते हैं इसको यूज करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल सकते हैं किलोवाट आवर्स को. तो ये तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी है. सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है अब क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें ये देखना होगा यहाँ पर. तो जैसे कहा जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट अ स्टडी रेट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग के सेशन में कहा कि हमें
क्या ढूंढना है यहां पर? एनर्जी क्राइसिस। तो हम अगर किसी तरीके से एनर्जी क्राइसिस को मिनिमाइज कर दें तो शायद हम एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी को बना सकते हैं। देखिए एनर्जी वही आया ना कि एनर्जी हर लगभग लगभग नॉन कंजर्वेटिव होती है और नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी मतलब नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है और नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एनर्जी क्राइसिस को जनरेट करता है। तो हमें क्या करना होता है? हमें मिनिमाइज करना होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता, जैसे आपके घर के पास ट्रांसफार्मर लगा होता है। अब ट्रांसफार्मर के पास में जितनी एनर्जी आती है और हमारे पास हमारे घर पर जो आती है या थर्मल पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक आते आते कितनी एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास तक आते आते क्या होता है। तो इसको अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा बैठ करके अगर आप सोचें इस बारे में कि कितनी एनर्जी का लॉस होता है वहां से थर्मल पावर स्टेशन से और हमारे घर तक आते आते। एक ट्रांसफार्मर जो होता है, हम लोग कहते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो किसी भी ट्रांसफार्मर की वो वन कभी नहीं होती। हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर सिर्फ कहने के लिए कहते हैं, बट वन एफिशिएंसी यानी 100% एफिशिएंट कोई ट्रांसफार्मर हो कि जितना इनपुट एनर्जी ले रहा उतना आउटपुट एनर्जी दे दे, नहीं होता है। आप कभी ट्रांसफार्मर के आसपास दूर थोड़ा दूर से खड़े होकर करीब 5-7 मीटर भी आप दूर खड़े होकर के ध्यान से अगर ट्रांसफार्मर के पास सुनिएगा तो एक आवाज हमिंग सुनाई देगा आपको वहां पर। वो हमिंग क्या है? वो हमिंग भी एक तरह से लॉस ऑफ एनर्जी है वहां पर। तो ट्रांसफार्मर भी जो है वो एक तरह से नॉन कंजर्वेशन में आ रहा है। तो ये एक आप अपने बिल्कुल सराउंडिंग में एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विंड मिल और ये सब आपके घर से तो बहुत दूर होंगी, वहां कहां आप देखने जाएंगे, लेकिन ये जो है आपका बिल्कुल घर के पास है, आप चाहे सुन सकते हैं वहां जाकर के आप। तो एक तरह से एनर्जी क्राइसिस है वहां पर, और जो एनर्जी क्राइसिस है तो यानी वो डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हमने क्या करना है? हमने एक तरह से मिनिमाइज करना है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट अ स्टडी रेट। स्टडी रेट का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंट फ्लो चलता रहे। जैसे आपके घर में आप अगर आप देखिए आपके ऊपर वाटर टैंक में पानी अगर फुल भरा होगा तो आपके टैप में वाटर का फ्लो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और अगर पान किसी तरीके से बीच में कहीं एक तरह से फ्रिक्शन मिल गया उसको तो वही पानी आपके टैप से निकल के रुक रुक करके आएगा। तो स्टडी रेट हो गया जो फ्लो में बह रहा है, यानी इसमें बोलते हैं कि नॉन विस्कस है, विस्कोसिटी नहीं। जैसे अगर एक आप देखिए, अगर आपसे मैं कहूं कि आप इसको आप एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं कि आप एक वाटर और आप क्या कहते हैं ग्रीस और आप ऑयल और ग्लिसरीन, ये चार चीजें लीजिए और किसी एक सरफेस से रिलीज करिए, देखिए सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो सबसे पहले कौन पहुंचता है आपको आंसर मिलेगा, और फिर सबसे बाद में कौन पहुंचता है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीस तो नीचे उतरने से रही है, आप ही को नीचे उतारना पड़ेगा, इतना जबरदस्त विस्कस होता है वो। तो दिस इज ऑल्सो यानी कि वहां पर पूरा का पूरा एनर्जी लॉस हो रहा है, वो कंज्यूमर रुका खड़ा हुआ, वो चल ही नहीं रहा है वहां पर। ग्लिसरीन तब भी धीरे धीरे करके नीचे आएगी, टमाटो सॉस में लोगे वो भी धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो सो इफ आई आस्क यू दिस वे दैट राइट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड टू द सप्लाई इट इज ऑल अबाउट यू नो एनर्जी इटसेल्फ। एनर्जी का ही रोल है हम जो भी चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अब हमने कहा कि अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, हमें अगर बनाने हैं तो क्या क्या होना चाहिए? तो सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है, मतलब आसानी से एक तो सबको मिले सब लोग, और सेफ का मतलब यहाँ पे वर्ड इसलिए दिया गया है कि लीकेज ना हो, कहने का मतलब है कि अगर लीकेज ऑफ एनर्जी भी है वो भी डैमेज करती है हमको, ठीक है ना। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर एक डैम है और डैम अगर लीक कर गया तो क्या करेगा वो? तो सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। तो डैम का अगर वॉल का कोई भी ब्रिक टूट गया, कुछ भी हो गया, तो इतना फोर्सफुली इतना एनर्जी वहां से रिलीज होगी कि वो आसपास के तो सब कुछ डैमेज कर देगी। इसीलिए आपने देखा होगा डैम जब जहां बनाया जाता है वहां पर दूर दूर तक कुछ नहीं रखते, क्योंकि पता है जिस दिन ये डैमेज हुआ तो सब कुछ बाहर ले जाएगा यहां से। तो सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, एग्जाम्पल न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज ओनली बाय हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इट कैनॉट बी यूज फॉर अवर हाउस होल्ड पर्पज। मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि एक एनटीपीसी है आपका झनोर, अंकलेश्वर और भरूच के बीच में पड़ता है,
वो वहां पर आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस होती है। तो मैं वहां का प्लांट मैंने देखा तो बहुत अच्छा एक तरह से गैस टर्बाइन लगा हुआ है वहां पर, तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर अवर। तो यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर को जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी है, तो जो न्यूक्लियर सब्सटेंस है उनको मैं किस तरह से यूज करना है, कंट्रोल होना चाहिए उस पर। अगर आप ऐसे कर दोगे तो हो सकता है नुकसान करेगा, तो इसलिए सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आपने अगर नोटिस किया होगा कि जितने भी हम थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जनरली वो एक तरह से वहीं पर होते हैं जहां पे हमें कोल आसानी से मिल जाए या है ना, या पेट्रोल का सोर्स आसानी से मिल जाए, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा अगर लॉन्ग डिस्टेंस होगी वो टाइम लगेगा आने में। तो इजी टू ट्रांसपोर्ट एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी एक्सेट्रा have to be transported from the place of their production to the consumers. Easy to store. ये सारे good sources के लिए हैं। Good sources कैसे बनने चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको points दिमाग में रख, आपके NCERT में questions दिया हुआ है, आप जैसे पढ़ेंगे तो questions हैं वहां पे, उसके answers आप लिखिएगा, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। Easy to store. Example, huge store tanks are required to store petrol, diesel, LPG. तो ये सारा आपका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा आसपास में रखेंगे तो हो सकता है वो डैमेज कर सके, क्योंकि देखिए आपने कभी देखा होगा जंगल में आग लग जाती, कोई लगाने थोड़ी जाता है, वो आपस में रब करते हैं ना, तो रब करते हैं तो रब से फ्रिक्शन से आपकी फायर जनरेट हो गई। And at times it happens so vigorously कि worldwide पता चलता है कि forest में ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया के देखें process of energy, that's what he said. अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा last year ही था, कितना बड़ा क्या कहते हैं पूरे cities में आ गई थी जी, इतना पूरा। तो ये क्या है, ये इसीलिए उसको रखा जाता है कि ये close ना हो, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कंप्रेस्ड बना देंगे तो भी वहां पे हीट, क्योंकि हीट एनर्जी जनरेट होगी, हो सकता है एक्सप्लोजिव हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे गुड सोर्सेस से जनरेट करनी होती। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, हमें एक पर्टिकुलर फ्यूल की, तो करेक्टरिस्टिक्स जो होती है दैट इज इट शुड हैव अ हाई कलर पिक और हीट वैल्यू सो दैट इट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम एनर्जी बाय लो फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और हीट वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि हम मैक्सिमम वहां तक हम ले जा सकें। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए इसमें, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे मैं पीछे डिस्कस भी कर चुका हूं, इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर सो दैट इट कैन बर्न इजली। इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग कंबशन। ठीक है, अभी जैसे अभी सब मैं सारी आपको मैं टॉपिक बाद में आता है, पहले मैं बता देता हूँ सारी चीजें आगे की। तो इस अच्छा है आपके लिए कि इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग कंबशन, इट शुड बी चीप इन कॉस्ट एंड इजिली अवेलेबल इन प्लेंटी फॉर एवरीवन, ये चीज ध्यान रखें। इट शुड बी इजिली एंड कन्वीनियंट टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे पीछे डिस्कस किया हमने। It should not be valuable to any other purpose than as a fuel. हाँ, ये बहुत important कि आप सोचो लाओ आज कल के लिए जैसे स्टोर करके रख लें, उसके बाद जो है बाद में देखेंगे, तो वो आप ही के लिए डैमेज हो सकता है। तो एनर्जी को हम अगर कंजर्व करके रख रहे हैं तो ये चीज जरूर देखनी है कि आप देखिए ना, जैसे समर्स में क्या होता है, आप अपनी गाड़ी का एग्जाम्पल ले लो, आप अपनी गाड़ी धूप में खड़ी करके आते हो, उसके बाद क्या होता है अंदर वो है तो वो एक तरह से टीन का डब्बा ही है, अब उसमें क्या होता है अंदर पूरी तरह से हीट एनर्जी जनरेट हो जा चुकी होती है। आप जैसे एंटर करते हो तो आप पहले क्या करते हो, आपने गेट्स ओपन किए कि आप भाई जितनी इसके अंदर एनर्जी है वो बाहर आ जाए, नहीं तो जैसे आप एंटर करोगे एकदम से टेम्परेचर शूट करेगा। तो एक तरह से अगर वो भी अगर खड़ी रहे बहुत ज्यादा, तो पीछे बहुत सारे केसेस भी हुए थे कि बच्चों को वहीं छोड़ दिया और चले गए, उसके बाद बच्चे उसमें जो है उसी में ही लॉक करके गाड़ी चले गए, देखा आपने सुना होगा। तो ये क्या है, यानी कि भाई आपका एनर्जी तो वहां सनलाइट तो पड़ी रही है और वो अंदर स्टोर होती जा रही, बाहर आ नहीं पा रही है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है। तो एनर्जी हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, अब बाहर का टेम्परेचर और उसके अंदर का टेम्परेचर में डिफरेंस है, इसकी वजह से एनर्जी फ्लो करती जा रही है। तो जब अगर अंदर और बाहर का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो वो एक तरह से वही बिल्कुल ऐसे लगेगा कि आप वहीं बाहर ही खड़े हुए हैं,
लेकिन बाहर खड़ा होना तब भी ठीक है क्योंकि वहां पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट एरिया में है, लेकिन यहां पर तो आप क्लोज पैक में आ गए। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, इट शुड बी आपका इट शुड नॉट बी वैल्यूएबल टू एनी अदर पर्पस देन द फ्यूल, इट शुड बर्न स्मूथली एंड शुड नॉट लीव मच रेसिड्यू आफ्टर इट्स कंबशन। तो ये सारी चीजों को आपको करेक्टरिस्टिक्स को याद रखना होगा, ठीक है। और ये चैप्टर बेटा आप लोगों का जो है ये थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, तो इसलिए इसमें आपको हर चीज को पढ़ना है पहले और समझना है सुनना है। अगर देखिए याद करना दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपको कुछ बेसिक पॉइंट तो लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको, फिर आपको सिर्फ रीडिंग करने की जरूरत है। आप सिर्फ रीड कर लेंगे तो भी आप आंसर्स वहां कर पाएंगे आपसे। तो इस चैप्टर में ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसे इसके में इसमें यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग इसको नोट करिएगा, इनके आंसर्स जो है आप करिए। मैंने जितना पढ़ाया उसी में से ये आपको ये आंसर्स मिलेंगे कि व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज अ गुड फ्यूल, इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड व्हिच वन वुड यू यूज एंड व्हाई, एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया यू वुड कंसीडर व्हेन ट्राइंग टू कैटेगराइज समथिंग एज अ गुड फ्यूल। दीज आर द क्वेश्चंस, इनके आप आंसर करेंगे तो आपने जो पढ़ा है आज वो सारे आप इस, ये मैंने उसका एक छोटा सा समराइज्ड वर्जन है व्यूअर्स, जो हमने पिछले आधे घंटे में डिस्कस किया आप सभी के साथ। हाँ यस मैम, असाइनमेंट आप सभी को दिया गया है हमारे, आप एक पीपीटी के जरिए जो असाइनमेंट है आपका, और उसको करने के बाद आप हमें मेल कर सकते हैं dth.class10@ciet.nic.in पर। आपके भेजे गए सभी असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स को हम अपने एक्सपर्ट के साथ जरूर शेयर करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे और आपको जवाब भेजेंगे। ऐसी कोई टिप्स या कुछ आखिरी में आप जो बताना चाहें प्रशांत शर्मा जी आज के सेशन को कंक्लूड करने के लिए? बस इस चैप्टर को, ये चैप्टर मैंने जैसे भी पहले कहा कि चैप्टर आपका पूरा एक तरह से थ्योरी बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कुछ नहीं है, और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर ये हैं कि कॉन्सेप्ट जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अपने सराउंडिंग्स में करते रहते हैं। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सिर्फ शांति से बैठ करके ये सोचिए कि हमारी सराउंडिंग में कितने सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, अपने आप आपको आंसर्स मिल जाएंगे और अपने आप आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। जी बिल्कुल, अपने आप आपको व्यूज आंसर्स मिलेंगे और अपने आप समझने लगेंगे जब आप समझेंगे इस चैप्टर के जरिए अपनी सराउंडिंग्स को। और हमारे एक्सपर्ट लगातार ये बता रहे हैं कि थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपकी सराउंडिंग्स के से ज्यादा अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ने समझने के लिए कुछ और नहीं हो सकता है। प्रशांत जी, आज इस सेशन को ब्यूटिफुली कंडक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद मैम, थैंक यू। और आप व्यूअर्स कहीं ना जाएं हमारे साथ क्यों ही बने रहें, नेक्स्ट सेशन में हम उर्दू का ही एक चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 10th के ही बच्चों के लिए। कहीं ना जाएं, बने रहें पीएम ई विद्या चैनल नंबर 10 के साथ।